नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के रेवोल्यूशन में। हम आज अपने लूसेंट MCQs की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसके एपिसोड 12 में हम आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण लूसेंट MCQs हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है आपके लिए, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 को जो विद्रोह था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के जो विद्रोह था उसका तत्कालिक का जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से सबसे पहले मना किया था मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित था? तो मंगल पांडे किससे संबंधित थे? जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से वहाँ के वो सैनिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इसको लीड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 के समय भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। अगला है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वह था हिंदू मुस्लिम एकता। उस विद्रोह के टाइम पर जो हिंदू और मुसलमान थे सारे एक हो चुके थे और यही उस विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा तत्व था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने डैश, तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, ना वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे ना ही क्रांतिकारियों के पक्ष में थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। पहला, मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता है का प्रयोग करने से इनकार किया था, ये भी सही है। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, तो यह भी सही है। और अगला है हमारा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉमस्टन। अगला है, विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता यहाँ पर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरठ में किसने नेता किया था नेतृत्व किया था? कदम सिंह ने। दिल्ली में किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, जिसको जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर। हरियाणा में राव तुलाराम ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और बरेली में खान बहादुर खान ने। अगला है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो कब इसको शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में, इसीलिए उस साल क्रांति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था पील आयोग। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद से सेना को दोबारा से बनाया गया था, उस वक्त इस आयोग की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
1857 के कवि को देखा था, जो विद्रोह हुआ था उसको देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुरी के राजा थे कुंवर सिंह। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कुंवर सिंह किस रियासत के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर रियासत के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो उनका नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। अगला है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किस कारण से यह विद्रोह असफल रहा था? हुआ था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत के पहले वायसराय होते हैं। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह जो था इसका केंद्र था कोल्हापुर में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के विद्रोह में बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? तो इनमें से किसने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तात्कालीन कारण क्या था यह आपने बताना है, तो वह था आपका अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला है, इन कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह लिखा था आरसी मजूमदार ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो मेरठ में जो ये विद्रोह आरंभ हुआ था ये 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। अगला है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार कौन थे? तो उस समय के जो इतिहासकार थे वो कौन है ये बताना है। तो देखिए, मुंशी जीवन लाल थे उस समय, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन, ये सारे उस समय के समकालीन इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? तो वह थे हमारे तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़गढ़। अगला है कि प्रारंभिक, यहाँ पर कथन और कारण है, तो कथन है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था। ठीक है, ये कथन है। कारण क्या है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो देखिए, कथन तो सही है लेकिन उसकी जो व्याख्या की गई है, जो कारण दिया गया है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचेसन के इस कथन का संबंध है? तो एचेसन ने ये कथन कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कहा था, तो एचेसन ने कहा था कि हम हिंदू को मुसलमानों से नहीं भिड़ा पाए, किस कंडीशन के लिए, किस घटना के लिए, जो 1857 की जो विप्लव हुआ था, जो विद्रोह हुआ था। अगला है कि कहाँ किसने नेता को लीड किया था, किस आंदोलन को लीड किया था? ठीक है फ्रेंड, ग्वालियर या कल्पी में किसने जो आंदोलन था, जो विद्रोह था, उसको नेतृत्व किया था? तो ग्वालियर में किया था तात्या टोपे ने। इलाहाबाद में किसने किया था? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। फैज़ाबाद में मौली अहमदुल्ला ने किया था और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसको किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो कब ये गए और इन्होंने मुगल सम्राट को घोषित किया था? तो इन्होंने किया था 12 मई 1857 को। अगला है कि भी फिर से वही है, क्षेत्र और उनके नेता को यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो झांसी में किसने नेता को लीड किया था आंदोलन को? लक्ष्मीबाई ने। फतेहपुर में अजय मुल्ला ने, मथुरा में देवी सिंह और संबलपुर में सुरेंद्र साई ने, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था यह आपने बताना है। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बख्त खान ने। जो ओरिजिनल लीड किया था उसको दिल्ली में, वो बख्त खान ने किया था, जो कि बहादुर शाह जफर का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स, बख्त खान ने इसको लीड किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया था? निकल्सन और हडसन ने। ठीक है, कानपुर और लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल ने, झांसी में दबाया था ह्यूरोज ने, और इलाहाबाद में कर्नल नील ने इसको दबाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो जगदीशपुरी में जहाँ कुंवर सिंह आंदोलन को लीड कर रहे थे, वहाँ किसने किया था? टेलर और विंसेंट आयर ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की वहाँ मौत हो गई थी? निकल्सन की। ठीक है, निकल्सन की वहाँ पर मौत हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की इसको संज्ञा दी थी बेंजामिन डिजराइली ने। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के स्वरूप और उसके विचारक कौन थे? ठीक है, किसने क्या कहा है 1857 की क्रांति के बारे में? तो यह एक सैनिक विद्रोह था, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह बेंजामिन डिजराइली ने कहा था। ठीक है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह टेलर और आउट्रम ने कहा, और यह सामंती विद्रोह था, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने 1857 के जो विप्लव था को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युग की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? वीडी सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में परिणित हो गया? ये था एस एन सेन के बारे में, एस एन सेन ने ये कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला है, यहाँ पर सूची को सम्मिलित करना है पुस्तक और उनके लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी वी डी सावरकर ने, और 1857 ये किताब लिखी थी एस एन सेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आधार जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जाति के आधार पर अंग्रेज़ों का जिन्होंने सहयोग दिया था वो थे सिख, गोरखा और पठान, इन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो इनमें से किसने मदद नहीं की थी यह आपने बताना है, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के राजा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही और अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? तो किस नेता को बाद में फांसी दी गई? तात्या टोपे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 क्रांति के जो हुई थी उसे सबसे कमज़ोर कड़ी थी बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो बहादुर शाह को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया था जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून उनको भेजा गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कैंपबेल की।
निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो 1857 के विद्रोह से अछूता था मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा, भारतीय सैन्य क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? तो किसके लिए कहा गया था ये? लक्ष्मीबाई के लिए। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो वह चीज था कमल और चपाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने में नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन कौन नेपाल भाग गए थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। ये सारे अंग्रेज, ये सारे जो व्यक्ति थे, ये नेपाल चले गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो किस पर यह आरोप लगाया है? जीनत महल पर। अगला है, सूची को सुमेलित करना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनका शाह होने वाले वर्ष यहाँ पर, ठीक है? तो खुर्दा या उड़ीसा में जो पाइका विद्रोह हुआ था, ये 1804 में हुआ। त्रवणकोर के दीवान वैलुपंथी का विद्रोह ये 1808 में हुआ। मैसूर में जो विद्रोह हुआ था वो 1824 में, और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और उनके होने वाले वर्ष। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में, गडकरी विद्रोह 1844 में, और सावंतवाड़ी विद्रोह जो हुआ था ये भी 1840 में हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो किन प्रांतों से उन्होंने चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत थे, ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जिनकी मृत्यु हुई थी वह थे हमारे, एक तो जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, सी नंबर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, V.D. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, ये कथन गलत है, क्योंकि शिक्षित लोग उस समय तटस्थ रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी जो इतिहासकार था वह था SN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे, जो क्रांति बैरकपुर में हुई थी, ठीक है। और निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो वो थे मौलवी लियाकत अली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 78 क्वेश्चंस को हमने देखा 1857 के विद्रोह से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।